हेलो भाई लोगों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं वो भी जय श्री राम बोल के। भाई प्रण प्रतिष्ठा हो गई भाई, अपने श्री राम की हो गई भाई। इतने सालों का इंतजार खत्म हो गया भाई, और हम तो न्यूजीलैंड में है। जो बंदा एब्रोड में है उसको उतनी ज्यादा खुशी हो रही है भाई। हर जगह यहाँ पर भी न्यूजीलैंड में इतना मस्त मनाए ना भाई, ऑकलैंड में। मैं क्राइस्ट चर्च में यहाँ पर तो हमने अपने घर में मनाया या इधर उधर जाकर सेलिब्रेट किया, मगर ओकलैंड में बहुत ज्यादा मतलब पूरा ग्राउंड ही बुक कर लिया। वहां पर सारे जय श्री राम बोल रहे थे भाई। मतलब ये देख के खुशी हो रही है यार। और ना एब्रोड में हर एक जगह में हो रहा था यार, मतलब लंदन से लेके पेरिस से लेके हर एक कंट्री में भाई। और इतनी ज्यादा खुशी हो रही है भाई, मैं तो हर एक वीडियो में बोलता ही हूँ जय श्री राम, मन से बोलता हूँ, ऐसे नहीं होता वीडियो के एंड में बोलता, मगर ये वीडियो स्टार्ट होगी जय श्री राम बोल के। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वाली वीडियो ना बहुत अच्छी होने वाली है। वो क्या है, इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ न्यूजीलैंड वर्क वीजा का प्रोसेस के बारे में समझा देता हूँ। 2024 में कैसे होगा प्रोसेस आपका वर्क वीजा, आप न्यूजीलैंड में आ रहे हो और आपने वर्क वीजा लगा रखा है, अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा में आ रहे हो आप, तो उसका प्रोसेस कैसे कैसे होता है ये सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना। और एक और चीज़ बताऊंगा बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक ना एक ऐसी ना आपको कंसल्टेंसी के बारे में बताऊंगा जो भाई आपका डायरेक्ट यहाँ पर करवा देगी काम, वर्क वीजा में भी, विजिटर वीजा में भी, और आपका आपको स्टूडेंट वीजा में आना हो तो वो एजेंसी आपकी हेल्प करेगी सारी की सारी। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, मैंने वेबसाइट खोली, मैं तुमको समझाता हूँ। अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा लेके आप 2024 में आ रहे हो तो आपकी वीजा लेंथ कितनी होगी, आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपका कितने दिन में प्रोसेस हो जाएगा, कितने वीक लगेंगे प्रोसेस होने का। अब मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, वो क्या है। अब 2023 में जो बंदा अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा में आ रहा था उसको मिल रही थी 3 ईयर का वीजा, और मगर अभी 2024 में आप आओगे तो आपको मिलेगा 5 ईयर का वीजा। अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया। पहले यहाँ की गवर्नमेंट थी लेबर गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, अभी होगी नेशनल। इसने क्या कर दिया, रूल चेंज कर दिया भाई बहुत ज्यादा, ठीक है। वर्क वीजा के ऊपर भी रूल चेंज कर दिया, विजिटर वीजा में भी रूल चेंज कर दिया, बहुत सारे वीजाओं ने रूल चेंज कर दिया। अब मैं तुमको बताता हूँ, अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा का 5 ईयर का मिल रहा है, मगर इसमें क्या है 5 ईयर में भी इन्होंने एक और रूल ला दिया के बीच में। वो क्या है, आपको 5 ईयर का तो मिलेगा वीजा, मगर उसमें क्या दिक्कत है मालूम है, उसमें ये दिक्कत है आपको 5 ईयर के बाद दोबारा से वीजा लगाना है इस कंट्री में, तो आपको ये कंट्री छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी होम कंट्री जाना पड़ेगा, वहां पर आपको 1 ईयर स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दोबारा से यहां पर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अब ये देखो कितना बड़ा मतलब बेकार ही है कि हिसाब से, तो आपको 5 ईयर लग जाएगा। मान लो जिस बंदे ने 5 ईयर के अंडर अपना PR नहीं ली, यहाँ की रेजिडेंसी नहीं ली, तो उसको अपनी जॉब छोड़ के अपनी होम कंट्री जानी पड़ेगी भाई। अब मेरे को बताओ, जॉब छोड़ के अपनी होम कंट्री जानी पड़ेगी, अब तुम खुद बताओ जो कंपनी 1 ईयर तक उस बंदे को रखेगी, 1 ईयर तक उसको स्टे करना पड़ेगा अपनी होम कंट्री में, उसके बाद वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है, तो वो कंपनी उसको क्यों हायर करेगी, वो दूसरे आदमी को हायर कर लेगी जो यहाँ पर अवेलेबल होगा, है ना, नहीं तो वो कोई और थर्ड पर्सन को हायर कर लेगी, उसी को क्यों करेगी वो हायर भाई। ये बहुत ज्यादा बेकार रूल लेके आ गए एक तो, और बहुत बंदे सोच रहे हैं कि 5 ईयर का वीजा मिल रहा है, 5 ईयर का वीजा मिल रहा है, मिल तो रहा है 5 ईयर के वीजा, मगर 5 ईयर के बाद क्या, 5 ईयर के बाद क्या, ये मैं बोल रहा हूँ तुमको, उसके बाद भाई आपको अपनी होम कंट्री जाना पड़ेगा, 1 ईयर वहां पर स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप दोबारा से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो वीजा। बहुत बेकार है रूल, अब जैसा है वैसा ही होगा भाई, क्या कर सकते हैं हम तो। चलो तो मैं तुमको भी बता रहा था कि भाई इसकी जो कॉस्ट है ना, मैं तुमको कॉस्ट बता देता हूँ इस वीजा की। अभी 5 ईयर का मिल रहा है 2024 में, इसकी कॉस्ट है 750, ठीक है। और इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है ना अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा का, इसका प्रोसेसिंग टाइम 7 वीक दिखा रहा है इसमें भाई, मतलब लगा लो आपको 1 महीने से 2 महीने के बीच में आपका वीजा आ जाएगा। मेरे हिसाब से मेरा भी इतने में आ गया था, बहुत लोगों का इतने में आ जाता है, मतलब यही टाइम लगता है ना सारा का सारे स्टार्ट से लेकर एंड तक। अब मैं तुमको बता देता हूँ कि भाई जो ये वीजा है ना, ये वीजा का प्रोसेस क्या है, स्टार्ट से लेकर एंड तक बताऊंगा आपको, जॉब कैसे मिलेगी, जॉब मिलने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आपको PCC देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मेडिकल करवाना है, मेडिकल कहाँ से करवाना है, मेडिकल कैसे होगा, क्या क्या दिक्कत आएगी मेडिकल में, ये सारी चीज़ मैं तुमको बताऊंगा इस वीडियो में। तब बताने से पहले मैं तुमको एक और बात बोलूंगा, वो क्या बोलूंगा मालूम है तुमको भाई, बात कुछ ऐसी है ना, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, वो बात बताओ क्या है, वो बात ये है कि मेरे पास ना बहुत दिनों से बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, वो बताओ क्या मैसेज आ रहे हैं, हमको बताओ कि भाई एक ऐसी एजेंसी के बारे में बताओ, ऐसी कंसल्टेंसी के बारे में बताओ जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके। मेरे पास DM पे DM है, मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, मेरे कमेंट में भी यही मैसेज आते हैं कि भी हमको कोई कंसल्टेंसी के बारे में बता दो। तो आज मैं तुमको एक कंसल्टेंसी के बारे में बता दो जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ, जिसके ऊपर 10,000+ स्टूडेंट ट्रस्ट करते हैं, और उनके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं बाहर,
और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को वर्क वीजा भी प्रोवाइड करवाया, विजिटर वीजा भी प्रोवाइड करवाया और स्पाउच वीजा भी प्रोवाइड करवाया। तो वो कंसल्टेंसी का नाम है इमिग्रेशन गुरुज। उनकी अपनी खुद की वेबसाइट भी है, उनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल भी है। इन सब का लिंक ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हो उस कंसल्टेंसी को। तो ये कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल है पहले तो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस कंसल्टेंसी के थ्रू आप किसी भी अब्रॉड कंट्री में जा सकते हो इजी बेस पे, है ना। आपको पता नहीं लग रहा आपको करियर में क्या करना है, आपको कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से जाना है, तो ये कंसल्टेंसी आपको हेल्प करेगी किसी भी अब्रॉड कंट्री में जाने के लिए। और बात ये कंसल्टेंसी ना नेक्स्ट मंथ अपना वेबिनार करने वाली है। उस वेबिनार को आप अटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसमें आपको अपना नेम, अपना फोन नंबर, उसके बाद अपना ईमेल आईडी मेंशन करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके सीधा क्लिक करोगे, आप सीधा उस वेबसाइट में पहुंच जाओगे, वहां पर जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और मेरा रेफरेंस कोड भी डाल देना वहां पर जो स्क्रीन में मेंशन हो रहा है ना। उसके बाद आप इनका वेबिनार अटेंड कर सकते हो। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी वीजा को लेके, आपके मन में विजिटर वीजा को लेके, स्टूडेंट वीजा को लेके, या आपको वर्क वीजा को लेके, किसी भी वीजा के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होगी या आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, वो कंसल्टेंसी आपसे डायरेक्ट बात करेगी, आपको मेल करेगी। इमिग्रेशन गुरुज इंडिया में भी अवेलेबल है, आप उनसे सीधा ऑफिस में जाके बात कर सकते हो, आप उनसे फोन में बातें कर सकते हो, आप उनसे व्हाट्सएप में बातें कर सकते हो, आप उनसे यूट्यूब में बातें कर सकते हो, आप उनसे ईमेल के थ्रू बातें कर सकते हो। वो कंसल्टेंसी हर एक जगह अवेलेबल है। मन में होता है कि भाई हमको भी अब्रॉड जाना है, हमको भी अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, आपको स्टूडेंट वीजा में जाना है, आपको विजिटर वीजा में जाना है, आपको वर्क वीजा में जाना है, पैसे कमाने हैं, तो आप इस कंसल्टेंसी से जुड़ो। ये कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ट्रस्टफुल है और एक्सपीरियंस उनको है बहुत ज़्यादा। तो आप भी ट्रस्ट कर सकते हो, मैं भी ट्रस्ट करता हूँ, आप भी ट्रस्ट कर सकते हो इस कंसल्टेंसी के ऊपर, है ना। चलो अब बैक टू द टॉपिक, अब बातें करते हैं न्यूजीलैंड वर्क वीजा प्रोसेस के ऊपर, है ना। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ना। नंबर वन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, है ना। जॉब अप्लाई कैसे करोगे, मान लो आपने जॉब अप्लाई कर दो सिक में कर दी, नहीं तो आपने career.nz में कर दी, स्क्रीन में मेंशन हो रहा होगा, वहां पर भी कर सकते हो, बहुत सारे पोर्टल है, वहां किसी भी पोर्टल में अप्लाई कर सकते हो। मगर जॉब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर वन सीवी बनाना पड़ेगा। सीवी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूजीलैंड स्टाइल सीवी बनाना पड़ेगा, न्यूजीलैंड स्टाइल कवर लेटर बनाना पड़ेगा। वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरा चैनल जाकर देख लेना, उसमें मैंने न्यूजीलैंड स्टाइल सीवी कवर लेटर बनाया बताया है, बनाना बताया है मैंने उसमें, आप वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे को सीधा इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा जरूर, है ना। आपने न्यूजीलैंड स्टाइल कवर लेटर सीवी बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी। जॉब अप्लाई करो, जॉब अप्लाई एक बार करो, नहीं तो दो बार करो, नहीं तो तीन बार करो, मगर कंपनी जब तक आपको रिजेक्ट ही करेगी, मगर कभी ना कभी आपको सिलेक्ट जरूर करेगी, मगर वो डिपेंड करता है आपके वर्क एक्सपीरियंस पे। मान लो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है और आपने अपनी फील्ड में ही अप्लाई किया है तो आपका जरूर सिलेक्ट करेगी कंपनी, है ना। क्योंकि भाई एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होता, मगर तीसरी बार तो हो ही जाता है, नहीं तीसरी बार भी नहीं होगा, 40 बार करोगे तो जरूर होएगा, है ना। मान लो आपने अप्लाई करा और आपको ऑफर भी मिल गया, कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर लिया, इंटरव्यू ले लिया आपसे, कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर लिया, कंपनी उसके बाद मांगेंगे आपसे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सेंड करने होंगे पड़ेंगे आपको, अपनी 10th की और अपना आधार कार्ड, नहीं तो कोई अपना एड्रेस प्रूफ, उसके बाद आपको क्या सेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेंड करना पड़ेगा भाई अपना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लेटर सेंड करना पड़ेगा। आपने एक्सपीरियंस लेटर भी सेंड कर दिया, उसके बाद आपको सेंड करने का पड़ेगा अपने 10th 12th, और आपने कोई डिग्री, आपने कोई डिप्लोमा किया, उसका सर्टिफिकेट सेंड करना पड़ेगा कंपनी के पास। तो कंपनी के पास अपने ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, उसके बाद कंपनी आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड करवाएगी, ना जॉब ऑफर में मेंशन होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी जॉब क्या है और आपको किस कैटेगरी में काम वगैरह करना है, आपकी कंपनी का नाम और कंपनी का लोकेशन वगैरह आपको मालूम पड़ेगा जॉब ऑफर से, है ना। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना अपने जॉब ऑफर, आपने जैसे एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपसे मांगेगी भाई डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो इमिग्रेशन में वो सेंड करे, क्या क्या होते हैं, एक होता है PCC, उसके बाद होता है मेडिकल, उसमें आपको अपना PCC निकालना है। उसमें क्या होगा, आपको अपना वो निकलवा लेना है PCC, बहुत लोगों का मालूम नहीं है मगर PCC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब्रॉड में जाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आती है,
भाई बहुत सारे बंदे क्या करते हैं भाई, पीसीसी निकलवा लेते हैं। वो कौन सा निकलवाते हैं? गलत पीसीसी निकलवाते हैं। दो टाइप के पीसीसी होते हैं, एक होता है पीसीसी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ठीक है, वो जो अप्लाई होता है खाली इंडिया में, जो अप्लाई होता है होम कंट्री में। मान लो आपको अब्रॉड कंट्री में जाना है तो आपको दूसरा वाला पीसीसी निकलवाना पड़ेगा, उसका नाम होता है पीसीसी फॉर इमिग्रेशन पर्पस, ठीक है। और उसके बाद उसमें मेंशन भी होना चाहिए आपकी कंट्री, किस पर्पस के लिए आप पीसीसी अप्लाई कर रहे हो। आप कर रहे हो दूसरी कंट्री जाने के लिए पीसीसी अप्लाई कर रहे हो, तो ये बात पहले से देख लेना। मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने भी इम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कर दिया था अप्लाई, उसके बाद मेरे को दोबारा करना पड़ा था, उसके बाद मेरे को इमिग्रेशन फॉर न्यूजीलैंड पर्पस के लिए करना पड़ा था अप्लाई, तो मैंने यही सेकंड वाला करा, इमिग्रेशन फॉर न्यूजीलैंड पर्पस, है ना। आपको पीसीसी यही वाला करना है अप्लाई, उसके बाद आपने पीसीसी अप्लाई कर दिया, पीसीसी आपका 14 डेज में आ जाएगा, 1,000-2,000 रुपए लेगा, पुलिस वाला भी ले लेता वैसे पैसे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मेडिकल, मेडिकल करवाना पड़ेगा आपको, मगर मेडिकल करवाने से पहले, फुल मेडिकल करवाने से पहले, इमिग्रेशन पर्पस के लिए मेडिकल करवाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपको कोई ऐसे दूसरे हॉस्पिटल में मेडिकल करवाओ अपना, पहले टेस्ट कर लो आपका शरीर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों का वीजा इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनका मेडिकल ही फेल हो जाता है। मैं बहुत सारे हुआ है ऐसा, मेरे साथ भी, मेरे साथ तो नहीं हुआ मगर बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैंने सुना है। वो बताऊँ क्या होता है, मान लो आप मेडिकल करवाने जा रहे हो, आपके चेस्ट में कोई भी डॉट नजर आ जाता है तो मेडिकल फेल कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाकर पहले अपना फुल बॉडी टेस्ट करवा लेना, कोई यूरिन में प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड में प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि भाई तीन ही चीज का टेस्ट होता है, एक होता है आपका ब्लड का, एक होता है यूरिन का, और थर्ड होता है आपका चेस्ट का, और किसी चीज का टेस्ट नहीं होता। आईज भी टेस्ट वगैरह होती है वैसे, मगर और किसी चीज का टेस्ट नहीं होता, मेन यही है। तो अपना मेडिकल वगैरह करवा लेना दूसरी जगह जाके, उसके बाद फाइनल अपना इमिग्रेशन पर्पज के लिए मेडिकल करवाना है ना, क्योंकि भाई वो मेडिकल आपको नहीं बताएंगे, वो सीधा का सीधा यहाँ पर सेंड कर देते हैं। मेडिकल की कॉस्ट कितनी आएगी मालूम है? 7,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में आपकी कॉस्ट आएगी खाली, इससे ज्यादा नहीं आएगी ना। बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि भाई ये जो सारी फाइल है, ये सारी चीजें है, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये सारी फाइल ना इमिग्रेशन वालों को सेंड कर देगी, सीधा डायरेक्ट इमिग्रेशन वालों के पास चलेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, सारे मेडिकल, सारी चीज इमिग्रेशन वालों के पास चली जाएगी। जैसे ही इमिग्रेशन वालों के पास जाएगी, वहां उसी दिन से आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा, आपका वीजा का प्रोसेस चालू हो जाएगा, वीजा अप्रूव होगा या नहीं होगा ये सब चीज इमिग्रेशन, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के हाथ में है भाई, ठीक है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, है ना, कंपनी का काम खत्म, अब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास आपके पूरी की पूरी फाइल चली गई। जैसी वो फाइल न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास गई, उस दिन से 10 दिन से लेकर 12 दिन के अंदर ही आपका वीजा आपके हाथ में आ जाएगा। मान लो आपका वीजा आपके हाथ में आ गया 10 या 12 दिन के अंदर, तो आपकी फाइल बिल्कुल ओके है। मान लो 10 या 12 दिन के अंदर भी आपका वीजा आपके हाथ में नहीं आया, तो उसमें कोई डाउट है उनको, वो और चेक कर रहे हैं आपका वीजा, है ना, तो आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। मान लो 10 या 12 दिन या 15 दिन के अंदर आपका वीजा नहीं आया तो वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि भाई इतना ही दिन लगता है उनको चेक करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, उन किसी किसी का तो 5 दिन में, किसी किसी का तो 4 दिन में, किसी किसी का तो एक तीन तीन दिन में आ रहा है भाई, किसी किसी का तो 1 महीने में भी नहीं आ रहा, 1 महीने के बाद आ रहा है, बताओ ऐसा भी होता है। वो डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, है ना, कभी उनके हॉलीडे हो गया, कभी छुट्टी होगी, कभी वीकेंड हो गया, उस हिसाब से काम करती है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, है ना। तो ये सारी चीज मैंने बता दिया स्टार्ट से लेके एंड तक, लास्ट में आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। तो वीजा अप्रूव होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, वीजा अप्रूव होने के बाद भी प्रोसेस है भाई, उसके बाद आपको 3 मंथ नहीं तो 6 मंथ मिलेंगे यहाँ पर आने के, और आप अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर वीजा में आ रहे हो तो आपको मिनिमम पे रेट मिलेगा 29.6668, मगर अभी फैब के बाद आप आओगे तो आपको पे रेट मिलेगा 31.66। फैब में आप आओगे तो आपको पीरियड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फैब में क्या हो गया, पीरियड बढ़ा दिया, वेजेस बढ़ा दिए इन्होंने भाई, वेजेस बढ़ा दिए, 31 पॉइंट इतने वेजेस कर दिए, तो ये तो ठीक है, वेजेस वगैरह बढ़ा दिए, ये वेजेस है एवरेज वेजेस, है ना, मिनिमम वेजेस तो फिर भी कम है 26, मगर एवरेज वेजेस पे मिलता है अट्रैक्टेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा, तो उन्होंने एवरेज वेजेस कर दिया 31.66। वो कब किया इन्होंने, फैब में करेंगे, है ना, अभी तक तो नहीं है मगर फैब में ये होगा, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब मैं तुमको बता रहा था, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारे मैंने चीज बता दी तुमको, और पूरा प्रोसेस के बारे में समझा दिया स्टार्ट से लेके एंड तक। और चीज वीडियो के एंड होते हुए बताता हूँ, वो क्या है, इंस्टाग्राम में भी जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, आपके मन में कोई मैसेज हो, आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को सीधा का सीधा आप मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो ना। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ वीडियो को लास्ट में, मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, आप जाओ ट्रस्ट करो उसके ऊपर, और एक बार जाके खाली बस फॉर्म अप्लाई कर दो,
और नहीं तो आप, आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा क्वेश्चन ही पूछ लेना भाई, कोई भी क्वेश्चन होगा वही पूछ लेना उनसे है ना। बस ये वाली वीडियो यहीं तक की थी, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ऐसे ही देखते रहना, बाय बाय।